आजकल मांस खाने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, कोई भूख मिटाने के नाम पर, तो कोई सेहत बनाने के लिए, तो कोई स्वाद के लिए मांस खा रहा है। इसके लिए असंख्य पशु पक्षियों को मारे जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या मांस मनुष्यों का भोजन है भी या नहीं। विमल के पास चलता हूं, उसी से बात करता हूं। आओ आओ मित्र कमल, आइए। नमस्ते मित्र, क्या मनुष्य को मांस खाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए कि मांस बिना प्राणियों को पीड़ा दिए प्राप्त नहीं हो सकता, और अपने स्वार्थ के लिए किसी को अकारण पीड़ा देना मनुष्य का धर्म नहीं है। इस दृष्टि से तो किसी को शाक फल आदि भी ना खाना चाहिए, क्योंकि उनमें भी जीव है, उनको भी पीड़ा पहुंचती है। जब वनस्पति में भी जीव है तो उनको भी दुख पहुंचेगा ही। तुम्हारा प्रश्न तो यह था कि मांस खाना चाहिए या नहीं। मैंने उत्तर दे दिया कि नहीं खाना चाहिए। यहाँ यह प्रश्न नहीं है कि वृक्ष और वनस्पतियों में जीव है या नहीं, और यदि यही बात हो कि जिसमें जीव होता है उसमें मांस होता है, तो साबित करो कि वृक्षों और फलों में मांस कौन सा है जिसे न खाना चाहिए। सुनो, फलों और सब्जियों में रस होता है, रक्त और मांस नहीं होता, क्योंकि कोई नहीं कहता आम का मांस खाओ, नींबू का मांस खाओ, सेब संतरे का मांस खाओ। बस यही कहते हैं संतरे का रस लो, आम का रस लो, रस कहीं से और किसी का लो, चाहे संतरे का चाहे गन्ने का रस, सेवन करने में कोई दोष नहीं है। दोष तो खून और मांस के खाने में है। जहाँ जहाँ खून और मांस का संबंध है वहाँ प्राणी को दुख होता है, जहाँ रस है वहाँ दुख का कोई संबंध ही नहीं है। किसी भी प्राणी का रस निकालने पर उसे कोई दुख नहीं होता। जैसे गौरस अर्थात गाय का दूध, उसके निकालने में गाय को कोई दुख नहीं होता। यदि गाय के थन गोरस अर्थात दूध से भरे रहें और उन्हें दुहा ना जाए, तो देखा गया है कि तो गाय रांभने लगती है। इसलिए कि दूध दुहा लिया जाए, परंतु जहां गाय या किसी जानवर का रक्त मांस निकाला जाता है वहां उसे दुख होता है। यदि फलों और सब्जियों में मांस नहीं है तो उनमें जो गुदा है वह क्या है? वही तो मांस है। यदि फलों और सब्जियों का गुदा ही मांस है, तब तो हलवाई के रसगुल्ले और गुलाब जामुन को भी मांस कहा जा सकता है, क्योंकि गुदा तो उसमें भी होता है। परंतु रसगुल्ले को कौन मांस कहेगा? मांस वस्तुतः वही है जहां रक्त है। जहां रक्त नहीं वहां मांस कैसा? वृक्षों और फल फूलों में रस है, रक्त नहीं। जब रक्त ही नहीं है तो मांस कहां से आएगा? शरीर की धातुओं में सबसे पहली धातु रस से रक्त बनता है, और रक्त से मांस बनता है, और मांस से अन्य धातुएं उत्पन्न होती हैं। आज जो भोजन किया जाएगा उसका पचकर पहले रस बनेगा, उस रस का फिर रक्त बनेगा, और फिर मांस बनेगा। मांस तीसरी स्टेज है। जब ईश्वर ने प्राणी के शरीर में रस का मांस बना दिया, तो फिर किसी प्राणी के मांस को खाकर रस बनाना और फिर मांस बनाना सृष्टि क्रम के विरुद्ध भी है। तो फिर अंडे खाने में तो शायद कोई भी दोष ना होगा, क्योंकि अंडे में तो मांस नहीं है, शायद रस ही है। अंडा रजवीर्य के संयोग का पिंड है। उस पिंड से वही प्राणी प्राप्त होता है जो रक्त मांस वाले हैं। किसी भी रक्त मांस वाले प्राणी की नींव को नष्ट करना क्या मनुष्य धर्म है? सो भी स्वार्थ पूर्ति के लिए कदापि नहीं। मैं तो देखता हूँ कि दुनिया के थोड़े लोगों को छोड़कर सब मांस ही खाते हैं। इससे पता चलता है कि मांस खाना कोई बुराई की बात नहीं। कुछ ऐसा भी पता चला है, ईश्वर ने मनुष्य को मांस भोजी बनाया है। यह कोई युक्ति नहीं है कि जिस काम को अधिक लोग करते हैं वह काम अच्छा ही होता है। संसार में झूठ बोलने वाले अधिक हैं, सत्य बोलने वाले कम,
तो क्या झूठ बोलना अच्छी चीज है? दुनिया में पापी अधिक हैं, पुण्यात्मा कम है, तो क्या पापी अच्छे कहे जाएंगे? संसार में घास फूस अधिक है, फल वाले वृक्ष उससे कम, चंदन आदि के उससे भी कम, मिडिल वाले अधिक, एंट्रेंस वाले उससे भी कम, बीए वाले उससे भी कम और एमए वाले उससे भी कम, तो क्या एमए पास कम होने के कारण बुरे कहे जाएंगे? संसार में अच्छे और सच्चे लोग बहुत कम होते हैं। बुराई फैलते हुए देर नहीं लगती, भलाई के लिए कोशिशें करनी पड़ती हैं। कपड़े पर मैल बिना परिश्रम के ही लग जाता है, परंतु धोने में परिश्रम करना पड़ता है। मनुष्य को ईश्वर ने मांस भोजी नहीं बनाया, ये आदत मनुष्य ने अपने में डाल ली है। क्या संख्या अफीम जैसी चीजें खाने योग्य हैं? परंतु मनुष्य इन चीजों के भी आदि देखे जाते हैं। इसका क्या सबूत कि मनुष्य मांस भोजी नहीं है? यह तो मनुष्य के शरीर की बनावट से जाहिर है। प्रथम तो मनुष्य के वैसे नाखून और दांत नहीं है जैसे मांसाहारी प्राणियों के होते हैं। मनुष्य मांस को काट कर बनाकर घी मिर्च और मसाले लगाकर पकाता है और अपनी जुबान और दांतों के अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है। मांसाहारी प्राणियों के नाखून अन्य प्राणियों के मारने फाड़ने के अनुकूल हैं और उनकी जबान कच्चे मांस का स्वाद लेने के अनुकूल है, मनुष्य की नहीं। दूसरे, मांसाहारी जितने भी प्राणी हैं उन्हें पसीना नहीं आता, मनुष्य को पसीना आता है। तीसरे, मांसाहारी समस्त प्राणी पानी चप चप कर पीते हैं, मनुष्य घूंट घूंट कर पानी पीता है। चौथे, मांसाहारी प्राणियों की आंखें गोल होती हैं, परंतु मनुष्य की आंखें बादाम जैसी चपटी। एक जगह मैंने पढ़ा है, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं ये संतान उत्पादन की क्रिया में परस्पर जुड़ जाते हैं। बिल्ली, कुत्ता, शेर, भेड़िया आदि सबको ऐसा देखा गया है। ऐसी बहुत सी युक्तियां दी जाती हैं जिनसे प्रकट है कि मनुष्य मांसाहारी प्राणियों में नहीं है। मांसाहारी वीर होते हैं, मांस में बड़ी शक्ति होती है, कुछ लोगों का ऐसा विचार है। मित्र, मांसाहारी अधिकांश में निर्दयी और खूंखार हो सकते हैं, वीर नहीं। वीरता और चीज है और निर्दयता और चीज है। हाँ, तुम कह सकते हो कि मांस खाने वाले लाखों आदमी इतिहास में वीर हुए हैं, परंतु वह मांस का गुण नहीं था और न है, वह असल में शिक्षा और संगति का गुण है। मांस खाने से ही वीरता आती हो तो संसार के अधिकांश लोग मांस खाने वाले सारे के सारे वीर दिखाई देते। भारत में ईसाई, मुसलमान और हिंदू सभी मांस खाते हैं, फिर भी तेज तरार व मारकाट का मादा जैसा मुसलमानों में है उतना भारत की अन्य जातियों में नहीं है। वीर असल में वह है जो देश और जाति के हितार्थ निस्वार्थ भाव से अन्याय का अंत करने के लिए मैदान में डट जाए, चाहे प्राण ही भले चले जाए, परंतु पीछे को कदम कभी न रखे। किसी के घर में आग लगा दी, किसी को लूट लिया, किसी पर धोखे से वार कर दिया, किसी को छुरा घुसेड़ दिया, किसी की स्त्री भगा ली, क्या इसका नाम वीरता है? बहुत तेरे गुंडे इस प्रकार का कृत्य करते देखे जाते हैं, क्या वह वीर हैं? कदापि नहीं, वे पापी हैं और अत्याचारी हैं। सुना जाता है मांस खाने से बल आता है, शेर, भेड़िए, चीते आदि जानवर कितने बलवान होते हैं, वे मांस ही खाते हैं। शेर हाथी तक को मार लेता है, इससे पता चलता है कि मांस में बहुत बल है। क्या मांस न खाने वाले जानवर बलवान नहीं हैं? गाय, घोड़ा, सांड आदि जानवर क्या कम बलवान हैं? संसार भर की मशीनों की शक्ति का परिमाण घोड़ों की शक्ति से लगाया जाता है। सुअर इतना बलवान होता है कि सामने पड़ने पर शेर के भी दांत खट्टे कर देता है। दो शेरों के मध्य में एक सुअर पानी पी सकता है, परंतु दो सुअरों के मध्य में एक शेर पानी नहीं पी सकता। शेर हाथी से ज़्यादा बलवान नहीं है। कभी कभी जंगली मतवाला हाथी जब जंगल में घूमता है सारे अन्य पशु डरकर भाग जाते हैं। शेर हाथी पर काबू अपने दांतों
और पंजों से पा लेता है, ताकत से नहीं। देखो, दो आदमी हूं, एक शरीर में बहुत बलवान हूं, दूसरा शरीर में कमजोर हूं, परंतु कमजोर मनुष्य के पास भाला, बर्छी, पिस्तौल या बंदूक हो तो वह बलवान पर काबू पा लेगा और उसे मार भी डालेगा। क्यों? इसलिए कि उसके पास शस्त्र की ताकत है। यदि कहीं शेर की तरह हाथी पर पहने दांत और नाखून होते और उसकी आंखें छोटी न होती तो संसार में हाथी किसी प्राणी को न रहने देता। हाथी, ऊंट, भैंस, भैंसा आदि जानवर जो मांस नहीं खाते वह बड़े बलवान हैं। वे लाचार यदि हो जाते हैं तो शस्त्रों के अभाव में ही हो जाते हैं। तुम बल की बात क्या पूछते हो? बल तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि धातुओं की एक एक रत्ती में भी मौजूद है। वह मानो मांस में नहीं है, वह औषधियों, वनस्पतियों में भी मौजूद है, जिनकी एक एक मात्रा में अत्यंत गर्मी शक्ति मौजूद है। मांस में क्या शक्ति है? जिन देशों में अनाज पैदा नहीं होता वहां के मनुष्य तो मांस पर ही गुजारा करते हैं। आइसलैंड अथवा उत्तरी ध्रुव के प्रदेशों में सुना जाता है मांस के ऊपर ही लोगों का जीवन निर्भर है, उनका तो मांस स्वाभाविक भोजन है। यदि उन देशों के निवासियों का स्वाभाविक भोजन मांस हो तो वे मनुष्य नहीं होंगे। यदि होंगे भी तो मनुष्यों की आकृति से भिन्न होंगे। उनके दांत और नाखून भी मांस को चीरने और फाड़ने के अनुकूल ही होंगे। यदि हमारे जैसे ही वहां के नर नारी हैं तो मांसाहारी कैसे? क्योंकि हमारे दांत, नाखून मांस खाने के योग्य ईश्वर ने बनाए ही नहीं हैं। हाँ, उन लोगों ने मांस खाने की आदत डाल ली होगी। जहाँ मनुष्य पहुँच सकता है वहाँ पर हर चीज़ पहुँच सकती है। यदि कहा जाए वहाँ अनाज उत्पन्न ही नहीं किया जा सकता और वहाँ की पृथ्वी भी इस योग्य नहीं है जो मानव जीवन की आवश्यक वस्तुएँ संपादित कर सके, तो वहाँ मानव का बसना ही व्यर्थ है। वास्तव में मांसाहार की पुष्टि के संबंध में सब दलीलें थोथी और व्यर्थ हैं। संसार में आर्थिक प्रश्न भी तो है। जहाँ अनाज कम होता है वहाँ मछली आदि बहुतायत से होती हैं। वहाँ के गरीब आदमियों का गुजारा मछली आदि जानवरों के मांस से होता है। यदि मांस ना मिले तो संसार की आर्थिक समस्या कितनी खराब हो जाए। संसार के किसी भी देश को देखो, जब भी रोटी का प्रश्न उठता है, आज भी सारे संसार में रोटी का ही प्रश्न और समस्या है। दाल, शाक, चटनी, मुरब्बे, रायते, कढ़ी और मांस का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वह सब चीजें रोटी से लगाकर खाने की हैं, जायके और लज्जत की हैं, जवान को खुश करने की है, पेट भरने और शक्ति प्रदान करने की नहीं। रोटी मुख्य है और सब चीजें गौण हैं। शरीर का मुख्य आधार रोटी है और यही संसार का प्रश्न है। आर्थिक प्रश्न सदैव रोटी से संबंधित है और रहेगा भी। अच्छा, मांस खाने में विशेष हानि ही क्या है? मित्र, मांसाहारी ईश्वर भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि तामसिक भोजन से विचार भी तामसिक ही होंगे, सात्विक नहीं। संसार में जो भी भगवान के सच्चे भक्त बने वे या तो मांस खाते ही नहीं थे, यदि खाते भी थे तो बाद में उन्होंने खाना छोड़ दिया, तब उन्हें अंतरात्मा की ज्योति का पता चला। यह ठीक है, जो मांस नहीं खाते वह भी ईश्वर भक्त नहीं दिखते, आडंबरी दिखते हैं। उन लोगों में भी चोरी, विश्वासघात, छल कपट, झूठ बोलना आदि दुर्गुण मौजूद हैं। पर जो आदमी पापों से रहित और निरामिष भोजी है वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। अतएव मांस खाना अत्यंत निषिद्ध है। अच्छा भाई, यह तो बताओ कि क्या ईश्वर से ही समस्त सृष्टि बनी है? चलिए मित्र, इस प्रश्न का उत्तर कल देंगे। ठीक है मित्र, नमस्ते। अच्छा, नमस्ते।